Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बढ़िया हूँ. So guys, शुरुआत करते हैं हमारे नए ब्लॉग की. और आज मैं कर रही हूँ घर से ही काम. तो 2024 में मैंने फर्स्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम लिया है. और वो भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि रात से मुझे फीवर हो गया था और अभी बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था मॉर्निंग में. तो मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं. अपने काम मैं शुरू कर रही हूँ और साथ में है मेरे चाय. तो चाय पीते हुए हम अपने काम की शुरुआत करेंगे. अभी जस्ट मेरी मीटिंग शुरुआत होने वाली है, जो एवरी मॉर्निंग हम लोग एक नॉर्मल सी मीटिंग डिस्कशन की करते हैं. तो मीटिंग वगैरह अभी शुरू होने वाली है, मीटिंग करते हैं साथ में. पहले फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ. फिर मैंने मॉर्निंग में पोहा बना के रख दिया था, तो हम लोग फिर पोहा खाएंगे और आज का पूरा दिन बस काम में ही निकलेगा. सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वर्क फ्रॉम होम जो मैं इस साल का फर्स्ट वाला ले रही हूँ, तो इस ब्लॉग में शूट करते हैं कैसा रहता है, पूरा दिन देखते हैं और आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ. तो चलिए फटाफट से चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद हमें काम भी शुरू करना है. तो ये लीजिए, अब आ गया मेरा पोहा मीटिंग के बाद. और अब मैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आगे का जो मेरा काम है वो मैं शुरू करूँगी. तो पहले मैं खा लेती हूँ पोहा. सो गाइस, मेरी मीटिंग हो चुकी है ख़त्म और ये आ गया मेरा सुबह का नाश्ता. और अभी मैं करूँगी पोहे का नाश्ता और उसके बाद हमारा जो आगे का काम है वो हम शुरू करेंगे. आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, इसलिए 10 मिनट में मैंने फटाफट से पोहा बना लिया, वरना देरी में नहीं बना पाती कुछ. तो अभी हो चुका है लंच का टाइम और अभी बज रहा है लंच के 1:18. तो हमारा जो लंच होता है वो 1 बजे से शुरू होता है. और मैंने यहाँ अपना भी लंच लेके आ गई हूँ क्योंकि सुबह मैंने पोहा खाया था. तो सिंपल सा दाल चावल विद अचार है. और अभी मैंने स्क्रीन लॉक कर दी है, तो पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ. उसके बाद मेरी 3 बजे से मीटिंग है, तो उसकी तैयारी भी करनी है. और लंच करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ. मीटिंग थी, मीटिंग चली है 5 बजे शाम तक. उसके बाद अभी शाम के लगभग 6 हो गए हैं. तो ऑलमोस्ट मेरा ऑफिस का जो आवर्स है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे शाम के 6 बजे. तो मेरा मॉर्निंग में ऑफिस रहता है 8:30 लास्ट इवनिंग में 6 बजे तक का. तो 12 आवर की मेरी जॉब है. और आज का दिन वर्क फ्रॉम होम का कुछ इस तरीके से बीता और आप लोगों के साथ ये मैंने शेयर किया. सो बहुत ही टाइम के बाद मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था एंड तबीयत ख़राब थी इसीलिए. और यहाँ पे मेरा ऑफिस होता है एंड चीज़ें मेरे को नज़र आए एंड गाइस. अब आप कहेंगे कि ये जो क्लिप है ये अलग सी कैसे मैंने ऐड कर दी? तो मैं ना भूल गई थी शूट करने के बाद. एक्चुअली ये मैंने नहीं शूट किया था, मेरे भाई ने किया था. तो ये वीडियो है काफ़ी पुरानी, आफ्टर मेरे बर्थडे की. तो मेरी सिस्टर थी नहीं यहाँ पर, लेकिन वो बाद में आई. और जब वो घर से आई तो वो कुछ कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी, जैसा कि ये जोक का बैग है. तो ये उसने मुझे गिफ्ट में दिया. तो मैं सारे जो गिफ्ट वो लेकर आई थी उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी. तो कुछ गिफ्ट उसके तरफ से थे, कुछ थे मेरी बुआ मम्मी, तो सभी की तरफ से मिक्सअप थे सारी फैमिली की तरफ से. और ये मेरी ना कैजुअल ऑफिस वेयर की कुर्तियाँ थी, जो कि बहुत ही लाइट वेट थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी.
एंड सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है फ्लिपकार्ट के। तो इतनी सारी चीज़ें लाए ये लोग, और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपकी फैमिली आपके लिए ये सब एफर्ट डालती हैं, और ख़ासकर आपके बर्थडे में। तो ये छोटे छोटे चीज़ें मिलके बहुत खुशियाँ देती है। और यहाँ पे मेरी बहन ने ईयरिंग्स भी ऑर्डर किए थे, तो मुझे तो झुमके बहुत पसंद है पर्सनली, तो इसने झुमके भी ऑर्डर किए थे और हम लोग साथ में ही ओपन कर रहे थे। तो ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले वीडियो मेरे पास बहुत टाइम से रखे हुए थे, और ये लोग भी देने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। तो ये सारा सब कुछ प्लानिंग मेरी सिस्टर ने मेरे बर्थडे के टाइम में किया था, बट कुछ कारणों से वो आ नहीं सकी थी तो नहीं दे पाई। और फिर कुछ दिनों के बाद वो आई, तब उसने मुझे ये सारी चीज़ें दिए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही स्पेशल फील हुआ। सो मेरा इस बार का बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और जितने भी गिफ्ट्स थे मैंने अनबॉक्सिंग किए, कुछ कुर्तियाँ थी, झुमके थे, बैग्स थे, सैंडल थी, और परफ्यूम था, लिपस्टिक भी था। कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं शूट कर पाई, और भी मेरे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने शूट नहीं किया, बट ये रैंडमली मेरे भाई ने शूट कर लिया था, सो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड गाइस, ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, जाते जाते ये भी एक कुर्ती देख लीजिए, ये भी फ्लिपकार्ट की कुर्ती है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बहुत पसंद आई मुझे पर्सनली। तो मैं इसको पहनने वाली हूँ वाइट दुपट्टा एंड वाइट प्लाजो के साथ। सो कभी मैं पहन के इसका वीडियो भी डालूंगी आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर मेरे सारे गिफ्ट के अनबॉक्सिंग हो गए थे, और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाय बाय, मैं आप लोग से मिलती हूँ बाद में।